हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर फाउंडेशन कोर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर देने वाली हूँ। गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ ग्रामर मैंने आपको बता दी थी, तो काफ़ी बच्चों के कॉमेंट्स आ रहे थे कि मैम जो आपने क्वेश्चन दिए उनके आंसर हमें नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर उन सभी क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। गाइस, जो मैंने आपको बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ ग्रामर बताई थी। उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप पहले उसे चेक करें, उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चन दिए थे जिनके आपको आंसर नहीं मिल रहे थे, तो टोटल 20 क्वेश्चन के मैं आपको आंसर दूंगी। तो गाइस, आपको इन सारे आंसर को कॉपी में नोट करना है, तो मैं आपको केवल क्वेश्चन सुनाऊंगी, आपको इनके आंसर खुद ही नोट करना है। तो चलिए गाइस, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, Why does the poet stop his horse in the poem Stopping by Woods on a Snow Evening? ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, Consider Robert Frost as a nature poet. ठीक है गाइज, ये जो आपको आंसर शो हो रहा है इन्हें आपको वीडियो पॉज करके कॉपी में नोट ज़रूर करना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, In Stopping by Woods hesitates on route give reason. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did Rocky find one spring morning? Then consider the cherry tree as a philosophical story. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Summarized the story of cherry tree. गाइज, ये जो आपको काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग आंसर दिख रहे हैं, तो आपको इन्हें देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि गाइज ये जो हैं वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो कि 3 से 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, तो इनके जो आपको आंसर लिखना पड़ता है वो मिनिमम 80 से 90 वर्ड में लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रिडिक्शन ऑफ एन एस्ट्रोलॉगर अबाउट विलेन? फिर है, व्हाट वर्क वाज असाइंड टू विलेन बाय द ओल्ड मैन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर्क डिड विलेन टू आफ्टर बीइंग एम्प्लॉयड बाय द ओल्ड मैन? उसके बाद टेंथ जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट मैसेज डज नारायण कॉन्वे थॉट हिज स्टोरी? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द एक्स? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द जाइंट? देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चाइल्ड टोल्ड हिम अबाउट द वाउंड? देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर एम्प्लॉयज्ड ऑन द रूल ऑफ द रोड? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द एसे ऑन द रूल ऑफ द रोड? देन इन विच ईयर कबीर वाज बॉर्न? तो कबीर का जो जन्म हुआ, कबीर का जो बॉर्न हुआ, 1444 में वाराणसी में हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डज कबीर ड्रीम ऑफ अ रिलीजियस प्रैक्टिस? देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन ट्रेट टू द ग्रेटेस्ट माइस्टिक्स? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर नेवर लॉस्ट टच विद डायर्नल एक्सिस्टेंस नेवर फॉरगेट्स द कॉमन लाइफ एक्सप्लेन? सो गाइज, ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं, इनको सारे क्वेश्चन को आपको कॉपी में नोट करना है और आपको याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रामर जो है मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दी थी, केवल जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं मिल रहे थे, तो क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। तो गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देन आपको जो भी टॉपिक चाहिए हो वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Artlist.io.